नमस्कार। हिंदी खबर पर गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव को लेकर महाकवरेज देख रहे हैं आप, और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई है। सीएम योगी के गोरखपुर में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। जी हां, गोरखपुर से सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद आगे हैं और बीजेपी यहां पीछे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फूलपुर में सपा प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गोरखपुर और फूलपुर में बीजेपी को झटका लगा है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में बीजेपी को जोर का झटका लगा है, तो वहीं फूलपुर की अगर बात की जाए तो फूलपुर में भी करारा झटका बीजेपी को लगा है। तो वहीं ज्यादा चर्चा के लिए यहां पर राजनीतिक सलाहकार ए के मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ए के मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि कम वोटिंग परसेंटेज ने यहां पर बीजेपी का खेल बिगाड़ा है? देखिए, बीजेपी का खेल केवल कम वोटिंग परसेंट पे भी परसेंट ने ही नहीं बिगाड़ा है, लेकिन होता यह है कि बीजेपी, देखिए, नेशनल इलेक्शन, स्टेट लेवल के इलेक्शंस जहां पे बीजेपी सीरियस रही है उन्होंने जीता है, और कुछ नेचुरल फैक्टर भी होते हैं। यहां पे जो खेल बिगाड़ा है वो मेन है कि अगर आप ट्रेडिशनल वोट बैंक भी देखें, फूलपुर और गोरखपुर दोनों की बात करें, तो ये जो दोनों पार्टियाँ जो कभी एक साथ नहीं होती हैं वो साथ में आई हैं, तो अपने आप ये यहाँ पर इनका वोट बैंक एक बहुत ज़्यादा हो जाता है और बीजेपी के लिए चुनौती बहुत कड़ी हो जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो कि मैं बोल रहा हूं बार बार, कि स्टेट लेवल या प्लस स्टेट लेवल और नेशनल लेवल का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के डायनामिक्स, अंडरस्टैंडिंग्स, स्ट्रेटजी, सारी चीजें बड़ी डिफरेंट होती हैं। लोकल इलेक्शंस जो होते हैं या बाई इलेक्शंस होते हैं या एक लोकल एरिया में एक सीट पे जो लिमिटेड इलेक्शंस होते हैं, वहां के कुछ नेचुरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे आप ये देखिए, अगर ये स्टेट लेवल का इलेक्शन होता तो सेंट्रल के जितने बड़े लीडर हैं। यहां पर आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी जी, स्वागत आपका हिंदी खबर पर। सर, जिस तरह से डिप्टी सीएम ने तो यहां पर नारा दिया था, वो कह रहे थे कि 100 में से 60 हमारा, 40 में बंटवारा, कहां गया वो नारा? देखिए, अभी लगभग 30 से अधिक राउंडों की गिनती होनी है और अभी केवल 7 या 8 राउंडों की गिनती हुई है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हमें पूरी उम्मीद है, हम आश्वस्त हैं, अभी भी हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिर वापसी करेगी और चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ही जीतेगी, कमल का फूल ही खिलेगा। तो ऐसे में राकेश जी, क्या वजह मानते हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर यहाँ पर सपा ने दी है बीजेपी को, क्या वजह इसके पीछे की आप मानते हैं? आखिर ये जो वोट परसेंटेज सामने आई है, इतनी कमी बीजेपी के खाते में? देखिए, एक तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो वोट कम हुए हैं, हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, जो पढ़ा लिखा तबका था वो वोट डालने नहीं गया, उसका उदाहरण है शहर उत्तरी फूलपुर में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद पश्चिम, ये दोनों सीटें जो है, इन सीटों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है, शहरी क्षेत्र है, और इनमें वोट बहुत कम पड़ा है। जबकि पिछली बार हमारी 2014 में जो मार्जिन था उसमें बड़ा मार्जिन इन दो विधानसभाओं से था, और इन दो विधानसभाओं में इस बार वोट काफी कम पड़ा है पिछली बार की तुलना में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट डलवा पाने में शायद सफल नहीं हो पाई है, इस वजह से कुछ मार्जिन कम है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त हैं जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब अंतिम परिणाम आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। राकेश जी, क्या लगता है, केंद्र में चाहे मोदी हो या फिर प्रदेश में योगी हो, रोजगार की उम्मीद अभी भी जो युवा है उन्हें बनी हुई है, क्या कहीं ना कहीं ये वजह है या विकास के कार्यों में कहीं ना कहीं कोई कमी आई है जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे, इस तरह के रुझान सामने आए हैं? नहीं, देखिए, ये उपचुनाव है, इन उपचुनावों का सरकार बनाने या बिगाड़ने पर कोई बड़ा असर नहीं होता है, इसके लोकल फैक्टर्स ज्यादा होते हैं और वो फैक्टर कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन उपचुनावों को 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2019 का सेमीफाइनल ये दो सीटें केवल प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं, उत्तर प्रदेश में ही केवल 80 सीटें हैं और देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से पूर्वोत्तर में पहली बार कमल खिला है, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, हम आश्वस्त है कि देश भर में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यदेव जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। सर, जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ बड़ा झटका मिला है, जिस तरह से जो वोट प्रतिशत थी, वोट परसेंटेज थी, उसमें कमी आई है बसपा और सपा, अगर सपा की बात की जाए तो आगे बढ़ती नजर आ रही है, किस तरह से देखते हैं इसे?
जी सत्यदेव जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो संपर्क यहां नहीं बन पाया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह के रुझान यहां पर सामने आए हैं, बीजेपी को एक कड़ा झटका मिला है और सपा और बसपा का जो गठबंधन है कहीं ना कहीं वो रंग लाता नजर आ रहा है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, लगातार हिंदी खबर पर महाकवरेज भी इसको लेकर जारी है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत स्वागत तमाम चर्चा के लिए। और नतीजे लगातार हिंदी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर की बात हो या फिर फूलपुर की बात हो, दोनों ही जगह से सपा ने बाजी मारी हुई है और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। वो मानचित्र लगा पीछे पीछे। जी हां, तो यहां पर बता दें आपको, फूलपुर में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है और कई अनुमान इसके लगाए जा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज में जो कमी आई है, बीजेपी के वोट में गिरावट उसको भी माना जा रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं, चलिए यहां पर कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। सत्यदेव जी स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सर, जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, बीजेपी को कड़ा झटका मिला है, किस तरह से देखते हैं? साढ़े चार साल के केंद्रीय शासन और एक साल के योगी सरकार की को देखते हुए 30 बरस से जिस सीट पर योगी जी स्वयं या मठ का ही कोई आदमी जीता रहा हो, आज उस सीट पर हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मॉरल अथॉरिटी खो रहे हैं और जनता योगी और मोदी के झूठ वादा खिलाफी को दंडित कर रही है। सर, लेकिन ऐसे में आप कांग्रेस का स्टैंड भी कहीं नहीं रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस भी काफी पीछे नजर आई है, क्या जनता का विश्वास कांग्रेस पर से उठ गया है? देखिए, जनता ने विपक्ष के गठबंधन में समाजवादी पार्टी और उनको मान लिया और वो भाजपा के विरुद्ध उस गठबंधन को जिता रही जी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आपको भी तो अपनी जीत पर पूरा विश्वास था कि कांग्रेस भी रंग लाएगी। नहीं, हमारी जीत, देखिए, हम अभी राजस्थान में जीते जी। हम अभी मध्य प्रदेश में जीते, हम और जगहों पर जीत रहे, गुजरात में हमने कड़ी टक्कर दी, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता ने ये माना कि इन दोनों दलों ने मिलके जो गठबंधन बनाया यही शायद मजबूत है, इसलिए उत्तर प्रदेश की इन दो सीटों से आप हमारा आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता को ये साथ पसंद है, ये तो उपचुनावों में नजर आने लगा है। बहुत शुक्रिया सत्यदेव जी आपका खबर पर तमाम बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह के रुझान अभी सामने आ रहे हैं, उनसे ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। एक बड़ी खबर इस वक्त सीएम योगी के गोरखपुर में बीजेपी को जोर का झटका मिला है। जी हां, सीएम योगी के गोरखपुर में बीजेपी को जोर का झटका। माया अखिलेश गठबंधन ने यह झटका दिया है। जी हां, तो माया और अखिलेश गठबंधन ने बीजेपी को जोर का झटका दिया है। फूलपुर और गोरखपुर में सपा काफी आगे चल रही है और बीजेपी काफी पीछे। गोरखपुर में बीजेपी 15,000 वोट से पीछे है। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से भी बीजेपी पीछे चल रही है। जी, तो यहां पर संवाददाता विक्रांत हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं। विक्रांत, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। जी, आपको बता दें, ऑफिशियल सूचना जो 8वें राउंड तक की आई है, इसमें बीजेपी करीब 11,000 वोटों से पीछे है। और आपको सबसे बड़ी यहां देखने वाली ये बात है, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की का हार का अंतर बढ़ता जा रहा है। और अगर सपा प्रवक्ताओं जो आरओ हैं उनकी बात माना जाए, सपा के लोग, सपा के प्रत्याशी हैं, तो करीब 15,000 वोटों से बीजेपी पीछे चल रही है यहाँ पे। विक्रांत, ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या माना जाए? क्या जनता का जो विश्वास है बीजेपी से वो उठने लगा है? वजह इसका ये कह सकते हैं आप, सपा का और बसपा का और निषाद पार्टी का जो जातिगत समीकरण था वो अपनी जगह सटीक बैठ गया, और भाजपा में मंदिर से कोई प्रत्याशी न होने के कारण भाजपा को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में हमारे साथ एके मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से
सपा और बसपा का ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं इसने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है इन उपचुनाव में। अगर आने वाले समय में 2019 में जो चुनाव होंगे ऐसे में सपा बसपा और कांग्रेस भी अगर साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टक्कर होगी, बीजेपी को कितना बड़ा झटका मिलने की उम्मीद? नहीं देखिए, अगर 2019 में जो चुनाव होंगे तो कांग्रेस भी आप ये देखो या सपा बसपा तो यूपी की पार्टी है, यूपी में अपना इलेक्शन वो जो है कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, बाकी के स्टेट में क्या होगा इसको हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए गठबंधन कुछ इस तरीके का हो जाए तो मैं आपको डेफिनेटली ये बताना चाहूंगा कि गठबंधन का अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक का नहीं, बहुत जबरदस्त रोल होता है और कई स्टेट्स में जो है ये बीजेपी के लिए ये एक निराशाजनक बात या एक चैलेंज हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ मैं ये भी बोलूंगा कि बीजेपी अपने आप में आज की डेट में बहुत सशक्त पार्टी बन गई है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए इस चीज को लेकर के मैंने बोला कि विपक्ष के लोग बहुत उत्साहित होंगे और उसके पीछे लॉजिक और रीजन भी है, लेकिन बीजेपी को इस बात से सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, बहुत सारे स्टेट में है, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम ये दोनों सीट जीत जाएं या हार जाएं, उससे सरकार चेंज होने वाली नहीं है। अब देखिए, हार का एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे वोटर भी इन सब चीजों को लेकर उत्साहित नहीं होते हैं क्योंकि वैसा माहौल नहीं बनता, मीडिया कवरेज नहीं मिलती है, पूरा मतलब एक रंग में सारे लोग, पूरे देश में एक लहर नहीं चलती है, एक रंग में लोग रंगते नहीं है, तो बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो वहीं रहते हैं, जाते भी नहीं है, ये सोच के कि अरे इसका क्या मतलब है, एक साल बाद सरकार फिर बनेगी या सरकार तो वही रहेगी। बाहर के बहुत सारे लोग वोट देने के लिए नहीं आते हैं, 2014 के और 2019 के इलेक्शन में आप देखेंगे बॉम्बे से बहुत सारे लोग जो यूपी में थे वो वहां से माइग्रेट करके उस दिन के लिए वोट डालने आए थे। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये, और इसमें देखिए बीजेपी की खुद की अपनी निष्क्रियता भी कहीं ना कहीं, मैंने आपको बोला वो बाई इलेक्शंस को बहुत सी, राजस्थान में बाई इलेक्शंस हुए, बीजेपी हार गई, मुझे ये लगता है कि दे आर नॉट वेरी मच सीरियस फॉर बाई इलेक्शंस, लेकिन विपक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होती है क्योंकि वो अपना परसेप्शन उसी हिसाब से आगे के लिए बनाना शुरू कर देते हैं और इस इलेक्शन का पूरे देश में परसेप्चुअल वैल्यू जो है वो विपक्ष के लिए बहुत जबरदस्त होगी, वो उसको कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर से कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि हमने अरे यहां बीजेपी को हरा दिया तो इसका मतलब है कि बीजेपी हार गई। अगर यही चीज कांग्रेस के साथ होती, मान लीजिए कांग्रेस सेंटर में होती या अपोजिशन सेंटर में होता तो वो बीजेपी भी ऐसे ही बोलती है कि ये हार की शुरुआत है, यहां से जो है फिर अब पूरे देश में ये पार्टी हार जाएगी, तो ये मतलब पक्ष और विपक्ष की अपनी मानसिकता होती है, वैसे वैसे वो कोरिलेट करके देखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मिश्रा जी आप एक राजनीतिक सलाहकार है, राजनीति को भी अच्छे से पहचानते हैं। जी जी बताइए बताइए। यहाँ मीडिया भी है, किसी भी एसी में उनको जाने की अनुमति है और हम स्वयं भी बिल्कुल सामने बैठे हैं और हर राउंड के बाद आके आप लोगों से बात कर रहे हैं, बीच में भी आपके आप लोगों से बात की है, ये बात पूरी तरह गलत है। सर, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि काउंटिंग में कहीं गलतियां हो रही हैं कुछ, उसका शिकायत भी उन्होंने चुनाव आयोग से किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई शिकायत हमारे संज्ञान में नहीं है और ना ही निर्वाचन आयोग ने हमसे इस बारे में कोई पूछताछ की है। हमने उनको स्थिति यह बताई है कि हमारे यहाँ काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि हमारे यहाँ 5 विभिन्न स्थानों पर हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हमारे ऑब्जर्वर्स 5 नहीं हैं, केवल 2 हैं, तो उनके पास शीट आने में, उनके द्वारा जांच करने में, उसके द्वारा हस्ताक्षर करने में, इसमें जरूर कुछ विलंब शुरू में हुआ था, लेकिन अब निरंतर हर 5-7 मिनट में एक शीट आ रही है और हम लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। हमारा जो है एक्चुअल काउंटिंग है वो 20 से भी अधिक बूथों पे टेबल्स पे समय हमारे 5 एसीज में 20 राउंड से भी ऊपर चला गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले घंटे में ये काउंटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग वीवीपैट कि जो एक वीवीपैट जो रैंडमली चुनी जाएगी उसकी पर्चियों की गिनती करेंगे और उसके बाद निर्वाचन के परिणाम की घोषणा करेंगे। सर, सब कुछ शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से चल रहा है? पूर्णतः व्यवस्थित है और मतगणना में नहीं, जब से निर्वाचन शुरू हुआ है, मतदान में, उससे पहले पूरी नॉमिनेशन की प्रक्रिया में, प्रचार की अवधि में जिला प्रशासन ने पूरी तरह से दृढ़ता से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, त्रुटि रहित और बिल्कुल प्रक्रियाओं के अनुरूप निर्वाचन को संपादित कराया। पर जिस तरह से काउंटिंग हो रही है उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए इसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है। और यहाँ पर एके मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर देखा जाता है चुनाव के बाद अगर उपचुनाव होते हैं और उन दोनों के रिजल्ट में बड़ा अंतर होता है या फिर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि रिजल्ट एकदम उलट आते हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप?
इसके पीछे की वजह देखिए, मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आप ये देखिए कि पक्ष में जो भी पार्टी रहती है, जिसकी गवर्नमेंट रहती है, वो उपचुनाव को जो है बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। और ये कॉमन साइकोलॉजी है, कोई भी आदमी होगा तो ऐसा ही करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है। एक सीट के हारने और जीतने से जो है कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, सारे पावर वगैरह वो कंटिन्यूड एंजॉय करते रहेंगे। दूसरी एक खास चीज ये भी है यहाँ पे, देखिए अगर बीजेपी दोनों जगह हार जाती है, एक मिनट के लिए हम ये फर्ज कर लें कि अगर दोनों जगह से ये बुरी तरीके से हार गए, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक लेटेंट वे में जो बेनिफिट होगा, बीजेपी उसको बेनिफिट को भी इनकैश करेगी। वो ये बोल के करेगी कि जी देखो, आप लोग हल्ला मचाते हो ईवीएम, अगर ईवीएम का सारा खेल होता तो हमारे दोनों जो टॉप सीट्स है, जहां पे मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी जो है कैंडिडेट थे, वो हम हार गए। तो इन चीजों को 2019 से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीजें मैं आपको ये भी बता दूं कि विपक्ष के लिए जिनके पास एक भी सीट नहीं है या बड़े लिमिटेड सीट उन्होंने जीते हैं, उनकी पूरी पार्टी को रीएनर्जाइज करने के लिए ये, मतलब रीएनर्जाइज करने का ये जो काम होता है, ये बूस्टर डोज आप मान सकते हो कि विपक्ष की सारी पार्टियां जो है वो रीएनर्जाइज हो जाती हैं और रीएक्टिव हो जाती हैं। जी एक मिश्रा जी, क्या लगता है अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी कहना है, अब राकेश त्रिपाठी जी को आपने सुना, उनका कहना है कि पढ़े लिखे लोगों ने कम वोट दिया, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। नहीं, ये फैक्ट है। वोटिंग परसेंटेज देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वोटिंग परसेंटेज को टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली हम जो है तीन उसमें जो है। मिश्रा जी, यहां पर आपको रोकना चाहूंगी। गोरखपुर में हिंदी खबर की खबर का असर हुआ है। चुनाव आयोग ने गोरखपुर डीएम से जवाब मांगा है। जी हाँ, बड़ी खबर, गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला से जवाब यहां मांगा गया है। हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर, चुनाव आयोग ने गोरखपुर डीएम से जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला से जवाब मांगा गया है। जिस तरह से हिंदी खबर ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने गोरखपुर डीएम से जवाब मांगा है। आपको एक बार फिर बता दें, गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला से जवाब यहां मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर आप हिंदी खबर पर देख रहे हैं, जब हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हाँ, इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था और उसके बाद इस खबर पर संज्ञान लिया गया है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने गोरखपुर डीएम राजीव रौतेला से जवाब मांग लिया है। जी एके मिश्रा जी, यहाँ आप बता रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो रिजल्ट कुछ और होता, अपनी बात पूरी। देखिए, वोटिंग परसेंटेज से क्या एनालिसिस की जा सकती है? आप वोटिंग परसेंटेज को तीन पर्टिकुलर उसमें देखिए, एवरेज वोटिंग और एवरेज के ऊपर की वोटिंग, मतलब एवव एवरेज, और वोटिंग परसेंटेज जब एवरेज के नीचे होता है। एवर एवरेज की अगर वोटिंग हम देखें तो जिसमें कि आप ये समझिए 70-75-80% को क्रॉस करता है, जो 2014 के इलेक्शन में हुआ, 2019 के इलेक्शन में हुआ, इसके कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? इसका सबसे पहला कंक्लूजन ये होता है कि वोटिंग परसेंटेज तभी ज्यादा होगा जब वोटर्स इंटरेस्ट लेंगे और अपने घर से बाहर निकलेंगे। एक सिंपल, बड़ा सिंपल सा रीजन है। अब वोटर इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? वो इसलिए वोटर इंटरेस्ट लेंगे जब चुनाव के माहौल को बहुत गर्म कर दिया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया जाता है मुद्दों के कारण या किसी इशू को लेके, या जैसे 2014 में करप्शन का इशू था, सारी पब्लिक जो है करप्शन के कारण परेशान हो गई थी। लास्ट के एक साल में करप्शन घोटाले की ही न्यूज आती थी। तो एक पॉलिटिकल क्यूज एंड ट्रिगर होता है, जो कि जो वोटर्स हैं, जो पब्लिक है, मास बिहेवियर, मतलब वोटर्स का जो मास बिहेवियर होता है वो अंडरस्टैंड करने के लिए इससे हमें बहुत अच्छी जो है जानकारी मिलती है। अब दूसरा आप लीजिए कि अगर एवरेज वोटिंग होती है, नहीं, हंगामा इसलिए हुआ कि अगर जनता ने बीजेपी को जिताया होता तो वो जीत लेते। अब वो डीएम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जीतना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी पारदर्शिता की बात करते हैं और पारदर्शिता में काउंटिंग से मीडिया को ही हटा दिया है, जो पॉलिटिकल वहां एजेंट होते हैं उनको हटा दिया है। तो अगर इस तरीके से जीतना चाहते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि दोनों चुनाव जनता ने जिता दिया है समाजवादी पार्टी को। ये करारा झटका है जुमलेबाजों के खिलाफ, झूठ बोलने वालों के खिलाफ, और जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं रहा, जो जंगल राज है, उसके खिलाफ किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मैं कह सकता हूँ हर तबके के आदमी ने, जो सीट मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी 3 लाख से जीते हों,
वहां लगातार पीछे चल रहे हैं, काउंटिंग बंद करा दी गई है। आखिर क्यों काउंटिंग बंद करा दी गई है? मेरे पास जो व्यक्तिगत जानकारी है, जो हमारे वहां पार्टी के एजेंट अंदर काउंटिंग करा रहे हैं, वहां बता रहे हैं 22 राउंड 19 राउंड हो गए हैं और अभी 9 राउंड पर तब टिके हैं जब हंगामा हुआ विधानसभा में, विधान परिषद में, और आप सब लोगों ने जब दिखाया तब उनको 9 राउंड तक उनको दिखाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अब क्या लग रहा है, क्यों समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप लोग डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? रिजल्ट आना बाकी है, जीत उनकी होगी, क्यों समाजवादी पार्टी पहले से भूमिका बना रही है? नहीं, भूमिका नहीं बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मीडिया को क्यों प्रतिबंधित किया गया, वहां एजेंट को क्यों निकाला जा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार ये समझ रही है कि वो हार रहे हैं। जो लोग 3 लाख से जीते हों वो आज पीछे चल रहे हैं आज मतगणना में, तो स्वाभाविक है कि खबलाहट होगी और होनी चाहिए। ये जो जनादेश समाजवादी पार्टी को 2 उपचुनाव में मिल रहा है, ये उनके जुमलों के खिलाफ है, उनके नकारा प्रशासन के खिलाफ है, जो गरीबों का उत्पीड़न उसके खिलाफ है, और भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी विचारधारा ने जो पिछड़ों को सांप और दलितों को छछूंदर कहा, तो यही तो सांप और छछूंदर मिल करके ही सामंतवादी जो फन है उसको कुचले हैं दोनों चुनाव में। आपको लग रहा है कि घबराहट क्या सपा की, बसपा की ज्यादा है या कि बीजेपी की? आपको नहीं, घबराहट तो उनको होना चाहिए जो झूठ बोल के सरकार बनाते हैं। हम तो लड़ के जीत रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर दलित और पिछड़ा एक हुआ है अपना हक पाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए, उत्तर प्रदेश में अगर दलितों की बहन बेटियां जलाई जा रही जिंदा, उन्नाव की घटना हो, बलिया की घटना हो, अगर उसके तो इस बीच सपा नेता नावेद सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नावेद जी, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर पर। सपा ने लगातार बढ़त बनाई हुई है, किस तरह से देखते हैं सर इसे? देखिए, बढ़त कोई भी बनाता है तो अच्छी ही लगती है जी, और अच्छी बात है कि बढ़त बनाए हुए हैं। लोगों का धन्यवाद जिन्होंने अपना मत दिया आकर के, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। और जनता एक बदलाव चाहती है, लेकिन अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इनसे होशियार रहने वाला है। ये किस वक्त लास्ट मोमेंट पे कौन सा गेम खेल जाए इनसे बहुत होशियार रहने वाला है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी जो रुझान आ रहे हैं तो ये रुझान ही देख रहे हैं हम लोग, फैसला आ जाए फिर हम लोग बात करेंगे आपके साथ। नावेद जी, क्या माना जाए, क्या जो गठबंधन है वो रंग ला रहा है? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट, जैसा कि आदरणीय रामगोपाल वर्मा जी ने कहा, रामगोपाल यादव जी ने जैसा कि कहा है, ये बहुत अच्छी, उनके समर्थन के बिना ऐसा नहीं हो सकता जी। और तो उन्होंने भी सम्मान किया, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने ये बयान दिया, तो बिल्कुल अगर एक और एक जा रही होते। नावेद जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि ये जो रिजल्ट आएंगे, इस रिजल्ट का असर आपके और बसपा के गठबंधन पर कितना पड़ेगा? देखिए, अब ये 2 सीट के लिए हमें समर्थन दिया था आदरणीय मायावती, तो 2 सीट के लिए समर्थन दिया था आदरणीय मायावती जी ने, हमें समर्थन मिल गया, हमें बड़ी खुशी जी कि वहाँ पे अच्छा हुआ। अब राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात का फैसला करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व इस चीज का फैसला करेगा कि कैसे आगे की रणनीति क्या बनानी है, कैसे बनानी, तो ये तो यहाँ पर नावेद सिद्दीकी जी का तो यही कहना है कि गठबंधन रंग ला रहा है और जिस तरह से ये गठबंधन हुआ था कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है जो ये रुझान सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया नावेद सिद्दीकी जी की आपका खबर पर तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सपा में खुशी की लहर है, बीजेपी को कड़ा झटका यहाँ पर मिला है। इस बीच विक्रांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने यहाँ पर डीएम से जवाब मांगा है, हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्या कुछ जानकारी? जी, जैसा कि डीएम साहब का शुरू में यहाँ के मीडिया के खिलाफ या रिजल्ट के खिलाफ जो क्या रही, 3 घंटे तक हम लोग एकदम बाहर घूमते रहे, अंदर भी नहीं जाने दिया गया, तो उस हिसाब से जवाब कहीं ना कहीं मांग आया है कि हाँ गलत हो रहा था जी। और हिंदी खबर पे खबर का बड़ा असर हुआ है। चलिए विक्रांत, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मिश्रा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्या लगता है अगर सपा और बसपा का ये गठबंधन ना होता तो बीजेपी जो तो
यहाँ पर बसपा नेता डॉक्टर एम एच खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एम एच खान जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सर, आपके समर्थन का ही ये नतीजा है कि सपा जीत रही है, रुझान कुछ इस तरह के सामने आए हैं, तो दोबारा संपर्क साधने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुशी की लहर दौड़ रही है और एक अलग ही नजारा गोरखपुर में भी और फूलपुर में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी उम्मीद थी सपा और बसपा के गठबंधन के बाद कुछ इसी तरीके के रुझान भी अब सामने आने लगे हैं। और जो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो बीजेपी का जो अहंकार था वो यहाँ पर टूटता नजर आया है। हालांकि नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं उससे ये तो साफ हो गया है कि जनता ने जो इस बार का रिजल्ट है वो पुराने रिजल्ट के मुकाबले बदल दिया है। तो हिंदी खबर पर तो महाकवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।